तो AWS Solutions Architect सीरीज में ये है हमारी आज की लैब। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम लोग हमारी लैब पे जंप करते हैं। तो क्वेश्चन है कि वुहू माय टीम इज ग्रोइंग एंड नाउ आई वांट टू हायर मोर पीपल टू वर्क फॉर माय ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर बिजनेस। आई वांट अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टू हैंडल माय EC2 वेब सर्वर। आई वांट हिम टू कंट्रोल EC2 वर्कस्पेस ऑफ माय AWS अकाउंट बट डोंट वांट हिम टू एक्सेस एनीथिंग एल्स स्पेशली माय डेटाबेस। How to do it, please? ये question मैं बोल रहा है कि उसकी एक टीम है, मतलब अभी जो उसकी टीम है वो ग्रो कर रही है उसकी e-commerce store business के लिए, और उसे एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हायर करना है जो सिर्फ उसके AWS अकाउंट के अंदर उसके EC2 का वेब सर्वर, मतलब सिर्फ EC2 के सर्वर मैनेज कर सकता है। वो चाहता है कि वो सर्वर के बिना और कोई भी चीज एक्सेस ना करे, स्पेशली इसकी डेटाबेस। तो वो हम कैसे करते हैं, हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि आपका जो AWS का अकाउंट होता है ना, वो होता है रूट अकाउंट, ठीक है। ये रूट अकाउंट के पास में सब पावर्स होती है, हर चीज करने की पावर होती है, EC2 के सर्वर्स बनाना, डेटाबेस, और आप उसके बाद में देखो तो NoSQL डेटाबेस, उसके बाद में आप क्लाउड वॉच, बिलिंग, आपके पास में पूरे AWS के अंदर जितनी सर्विसेज होती वो सबको ये रूट अकाउंट एक्सेस कर सकता है। आप जब भी एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो, आप अपने लिए एक रूट अकाउंट क्रिएट करते हो। ये रूट अकाउंट के पास में हर चीज की परमिशन होती है, ठीक है। ये हो गया आपका मेन अकाउंट। बट अब आप चाहते हो कि आप अपना ये जो मेन अकाउंट है इसके अंदर आपके सब अकाउंट्स बनाओ। सब अकाउंट्स क्या होता है कि आप अपने AWS अकाउंट में किसी दूसरे के लिए आईडी बनाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है और मैं वो बिजनेस के अंदर न्यू यूजर्स, न्यू एम्प्लॉयज को हायर कर रहा हूँ, कंपनीज के अंदर न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये न्यू एम्प्लॉयज मेरा वाला अकाउंट यूज करके मेरे सर्विसेज मैनेज करे। जैसे मेरा एक ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, EC2 का सर्वर चल रहा है, मेरा डेटाबेस चल रहा है, मैं बिलिंग देख रहा हूँ कि मुझे कितना बिल आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं न्यू एम्प्लॉयज हायर करूँ और उनके लिए एक सब अकाउंट क्रिएट करूँ जिनको मैं जो परमिशन दू ना वो सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे मेरा एक न्यू एम्प्लॉय है Employee 1 और मैं चाहता हूँ कि ये सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं चाहता हूँ इसे सिर्फ इतनी परमिशन मिलेगा, ये सिर्फ मेरे सर्वर्स को देख सके, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक सब अकाउंट क्रिएट करूंगा। ये सब अकाउंट को बोलते हैं IAM, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस। ये एक AWS की सर्विस है जो हेल्प करती है हमें सब अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो हम ये एम्प्लॉय 1 के लिए एक सब अकाउंट क्रिएट करेंगे और उससे सिर्फ परमिशन देंगे EC2 के सर्वर एक्सेस करने की, मतलब वो AWS के अंदर और कोई भी सर्वर सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ EC2 की सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। मैंने Employee 2 को हायर किया और उसे बनाया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये EC2, ये E2 जो हमारा Employee 2 होगा उसको मैं सिर्फ डेटाबेस की परमिशन दूंगा, तो वो सिर्फ डेटाबेस एक्सेस कर सकता है, वो ये EC2 के सर्वर्स और जो भी चीज बिलिंग वगैरह वो कुछ भी नहीं देख सकता है। मतलब मैं जो एम्प्लॉयज को जितनी जितनी परमिशन दूंगा उतना ही वो कर सकते हैं। मैं एक थर्ड एम्प्लॉय हायर कर रहा हूँ जिसको मैं बिलिंग की परमिशन दूंगा कि ये मेरा बिल वगैरह देखेगा, बिलिंग मैनेजमेंट करेगा, तो उसे मैं सिर्फ बिलिंग का पोर्टल का एक्सेस दूंगा, वो बाकी की कोई भी सर्विसेस को एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज है, ये सब अकाउंट्स बनाना हम कैसे बनाते हैं, हम IAM को यूज करते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस ऑफ AWS। AWS हमें प्रोवाइड करता है IAM क्रिएट करने के लिए, इसे कहते हैं रूट अकाउंट, इसे कहते हैं IAM यूजर अकाउंट, IAM यूजर, IAM ग्रुप्स, हम ग्रुप्स भी बना सकते हैं, हम यूजर भी बना सकते हैं। तो हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये सब चीजें कैसे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, आज का जो हमारी लैब है उसमें हमें एक IAM का यूजर क्रिएट करना है जिसको हमें परमिशन देना है ओनली, मतलब कि वो सिर्फ EC2 के सर्वर एक्सेस कर सकेगा और कुछ भी चीज वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो चलो हम लोग हमारे AWS के पोर्टल पे चलते हैं और सीखते हैं कि ये चीज को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये है हमारा AWS का पोर्टल, ये देखो जहाँ पे जो हम लोगों को ये दिख रहा है ना, ये हमारा रूट अकाउंट है, ये मेरा AWS का, ये मेरे AWS को कंट्रोल करने के लिए ये मेरा रूट अकाउंट है। तो मुझे अभी ये अकाउंट के अंदर सब अकाउंट बनाना है, एक एम्प्लॉय के लिए एक सब अकाउंट बनाता हूँ। वो मैं कैसे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा IAM, तो मुझे देखो मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज, IAM का एक सर्विस आ रही है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे IAM का डैशबोर्ड ओपन हुआ, मुझे एक यूजर क्रिएट करना है। मुझे अभी बता रहे करेंटली मेरे पास 0 यूजर्स है, तो मैं यूजर्स पे क्लिक करूंगा, नो रिसोर्स टू डिस्प्ले, मैं यहाँ पे एड यूजर पे क्लिक करता हूँ, एड यूजर, ठीक है। तो मुझे वो एम्प्लॉय या जो भी यूजर है उसका यूजर नेम देना है, तो मैं क्या यूजर नेम दे सकता हूँ, मैं अभी रैंडमली देता हूँ Employee 1, ठीक है। और मैं इसे मैनेजमेंट कंसोल, मतलब यहाँ से, मतलब उसके लिए भी, मतलब वो भी ऐसे पोर्टल के ऊपर लॉग इन कर सकता है। अगर मैंने इसे टिक ऑफ कर दिया, मतलब मैं वो सिर्फ कमांड लाइन के थ्रू मेरे इंटरफेस से
कनेक्ट कर सकता है, बट मैं नहीं चाहता कि सिर्फ कमांड लाइन से हो, मैं चाहता हूँ कि वो मैनेजमेंट कंसोल मतलब उसका खुद का भी एक लॉगिन हो, वो खुद ये पोर्टल पे आए और वो चीज है जो जितना उसको एक्सेस मिला है वो कंट्रोल करे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को टिक कर दूंगा। और यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, स्पेसिफाई यूजर इन आइडेंटिटी सेंटर। आइडेंटिटी सेंटर एक ऐसा सेंट्रल कंट्रोलर होता है जहाँ पे हम लोग बहुत सारा यूजर स्पेसिफिक चीजें कर सकते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पे वो रेकमेंड भी कर रहा है, बट अभी के लिए इस लैब में हम लोग ये वाले पोर्टल से ही, ये वाली पोर्टल के थ्रू ही हम लोग एक आईएम यूजर क्रिएट करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट एन आईएम यूजर। अभी यहाँ पे मुझे कंसोल का पासवर्ड डालना है, मतलब ये यूजर जब लॉग इन करेगा तो उसका भी तो कुछ पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं एक यहाँ पे ऑटो जनरेटेड पासवर्ड यूज कर सकता हूँ और एक कस्टम पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। तो मैं कस्टम पासवर्ड सेट करूंगा test@123। देखो मैंने यहाँ पे शो पासवर्ड में लिखा हूँ test@123। और यहाँ पे यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब ये यूजर लॉग इन करेगा, एम्प्लॉय वन जब लॉग इन करेगा, तो उससे उससे जब उसको ये वाला पासवर्ड डालना होगा, और उसके बाद में जैसे वो ये वाला पासवर्ड डाल के लॉग इन करेगा, उसे अपना पासवर्ड चेंज करना होगा, उसे अपने लिए एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा ताकि किसी को भी उसका पासवर्ड पता ना चले और वो अपना पासवर्ड अपने पास सेफ रख सके। तो हम लोग ये ऑप्शन को टिक कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमें दिया है कि ऐड यूजर टू अ ग्रुप और परमिशंस एंड अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप का क्या होता है कि हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, समझो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स, और हम 10-15 यूजर्स को क्रिएट करके ग्रुप में डाले और ग्रुप में ग्रुप को हम परमिशन दे दे। तो ये होता है, ये चीज हम कर सकते हैं। अब ग्रुप के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बाद में जाके सीखेंगे कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्टली पॉलिसीज अटैच करेंगे। डायरेक्टली पॉलिसीज का मतलब हम ये यूजर को डायरेक्टली परमिशन देंगे कि उसे हमें क्या क्या चीजें करवाना है। तो मैं यहाँ पे अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरे पास मैं बहुत सारा चीजें दी हुई है, बहुत सारी अलग अलग परमिशन मेरे लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ EC2, तो यहाँ पे मुझे EC2 रिलेटेड परमिशन मिल रही है। अब देखो EC2 फुल एक्सेस अगर मैं ऑन कर देता हूँ, मतलब वो ये वाला जो बंदा है वो पूरा फुल एक्सेस कर सकता है, हमारे EC2 सर्वर को मैनेज कर सकता है, चीजें देख सकता है, सब चीजें कंट्रोल कर सकता है, हर चीज कर सकता है वो, ये वाली परमिशन अगर उसकी ऑन होगी तो। तो मैं यहाँ पे उसे ये वाली परमिशन दे देता हूँ, अमेजोन EC2 फुल एक्सेस की परमिशन देता हूँ मैं उसे। यहाँ पे जाने के बाद मैंने अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली किया, मैंने सर्च किया EC2 और मैंने उसे फुल एक्सेस दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो मेरे को डिटेल्स बता रहा है कि एम्प्लॉय वन आप क्रिएट कर रहे हो, आपने उसके लिए कस्टम पासवर्ड रखा है, पासवर्ड रीसेट होगा उसका, उसे कौन सी परमिशंस दिया हुआ है। पहले तो EC2 का फुल एक्सेस दिया है और IAM यूजर चेंज पासवर्ड, ये ऑटोमेटिकली AWS ने हमारे लिए सेट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाला जो यूजर है वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके। तो इसीलिए हमने ये वाले पॉलिसी को AWS ने खुद ही अटैच कर दिया ये यूजर के ऊपर, और ये वाली परमिशन हमने इसे दी है, ये वाली पॉलिसी हमने अटैच की है। यहाँ पे जाने के बाद मैं नीचे क्रिएट यूजर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मेरे लिए एक यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यूजर का यहाँ पे एक लॉग इन URL आया है, यहाँ पे मैं ईमेल साइन इन इंस्ट्रक्शंस कर सकता हूँ, मतलब ये यूजर का ईमेल डाल के मैं उसे मेल कर सकता हूँ कि देखो मैंने आपके लिए ये बना दिया, आप ये URL पे जाके लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कंसोल का पासवर्ड है एम्प्लॉय नेम। अब मेरे को यहाँ पे उसने कंसोल का साइन इन URL दिया है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं एक न्यू इनकॉग्निटो टैब खोलूंगा और यहाँ पे जाके मैं ये वाला URL पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरे लिए साइन इन कंसोल ओपन करेगा। जैसे हम लोग एक अमेजोन के ऊपर साइन इन करते हैं वैसा ये कंसोल ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे यूजर की सब डिटेल्स दी हुई है, यहाँ पे डाउनलोड CSV फाइल करेंगे तो यूजर की जितनी डिटेल्स है वो एक एक्सेल की फॉर्मेट की फाइल में हमारे लिए डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम अपने हमारे इनकॉग्निटो में जाके देखते हैं, तो देखो मेरे अकाउंट की ID ऑटोमेटिकली आ गई है, ये मेरे अकाउंट की ID है। उसके बाद में IAM यूजर का नेम डालना है, तो मैं डालूंगा Employee1, हमने वो यूजर का नेम दिया था Employee1 और पासवर्ड था TEST test@123 test@123। मैं जैसे यहाँ पे साइन इन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड चेंज करना है, ये एम्प्लॉय का पासवर्ड चेंज करना है। मैं यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालूंगा test@123, न्यू पासवर्ड हमारा है हम सेट करते हैं test@1234 और न्यू पासवर्ड है test@1234। ये करने के बाद में मैं कंफर्म पासवर्ड चेंज पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये वाला हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया। अब देखो यहाँ पे मुझे ऊपर दिख रहा है employee1@ और मेरे अकाउंट की आईडी, जो मेरा रूट अकाउंट है उसकी आईडी, मतलब यहाँ पे हमारा मेन अकाउंट पे हमारा मेन नाम दिख रहा है और यहाँ पे Employee1 जो उसका IAM यूजर का नाम है वो दिख रहा है और यहाँ पे हमारे अकाउंट की आईडी दिख रही है। अभी यहाँ पे ये एक सेम पोर्टल जैसा ही है, मतलब ये वाला पोर्टल हमारा एम्प्लॉय एक्सेस कर रहा है हमारे AWS के अकाउंट को। अब वो यहाँ पे जाके सर्च कर सकता है EC2
और EC2 पे क्लिक करने के बाद वो जैसे ही यहाँ जाएगा तो वो EC2 रिलेटेड हर टास्क कर सकता है। वो यहाँ पे रनिंग इंस्टांसेस देख सकता है कौन से इंस्टांसेस रनिंग है, यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस कर सकता है, एक न्यू इंस्टांस क्रिएट कर सकता है खुद के लिए या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसे मैनेज कर सकता है। EC2 की फुल परमिशन है उसे। बट जैसे ही मैं भी यहाँ पे जाऊंगा ना कोई भी डेटाबेस के ऊपर, जैसे मेरे को जाना RDS डेटाबेस, ये डेटाबेस की सर्विस है, हम आगे देखेंगे डेटाबेसेस कैसे वर्क करते हैं। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा RDS पे तो मुझे यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे क्रिएट अ डेटाबेस, मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट अ डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे देखो एरर लोडिंग रिसोर्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय वन इज नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये डेटाबेस की कोई भी चीज है एक्सेस नहीं कर सकता यहाँ पे, इसे इस परमिशन ही नहीं है, इसे सिर्फ परमिशन दी गई है EC2 की चीजें मैनेज करने के लिए। डेटाबेस को हाथ ही नहीं लगा सकता, डेटाबेस की कोई भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता, डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकता या रीड नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और हमारा क्वेश्चन भी वही बोलता है कि हमें हमें ये वाले यूजर को सिर्फ और सिर्फ EC2 की परमिशंस देना है, हम नहीं चाहते कि वो कोई और भी चीज एक्सेस कर सके, स्पेशली डेटाबेस। तो ये लैब के थ्रू हम लोगों ने देखे कि हम लोग कैसे एक IAM यूजर क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय वन, और वो हमारे EC2 को तो मैनेज कर पाएगा बट कोई भी और सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये EC2 की हर चीज एक्सेस कर सकता है। देखो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्रिएट भी होगा, मैं हर चीज डाल दे, जैसे हम लोग ने इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे कुछ भी कोई भी चीज यहाँ पे रुकेगी नहीं, बट ये जैसे ही कोई दूसरी सर्विस एक्सेस करने जाएगा इसे प्रॉब्लम आएगा, मतलब वो एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो ऐसे हम लोग क्रिएट करते हैं हमारे लिए एम्प्लॉयज और हमारे लिए IAM यूजर्स। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ IAM यूजर्स। IAM के रिलेटेड बहुत सारी लैब्स हम लोग आगे जाके लेके आने वाले, तो इसे प्रैक्टिकल करिए, खुद समझिए, थोड़ी परमिशंस को चेंज करो और देखो कि कैसे चीजें चेंज होती है। हम लोग आगे जाके IAM के ऊपर बहुत सारी लैब्स लेके आएंगे जिसमें हम लोग ये सब चीजें करेंगे, परमिशन चेंज करेंगे, ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और बहुत कुछ करने वाले। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लैब के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।